चुनाव के ठीक पहले हुए एक अहम मुकाबले में बीजेपी ने जीत हासिल की। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी को हरा दिया। मध्य प्रदेश में पार्षद की 13 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीट मिली तो कांग्रेस ने 6 सीट पर जीत हासिल की है। छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड 42 के उपचुनाव को अगर देखते हैं तो बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी संदीप चौहान ने 436 वोट से जीत हासिल की। छिंदवाड़ा निगम के वार्ड 42 की बात करें तो दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। बीजेपी के पोस्टर बैनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक थे तो कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताकर लगातार वोट मांग रही थी। छिंदवाड़ा में मिली जीत के बाद भाजपा उत्साहित नजर आ रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत शुभ संदेश है। चुनाव की शुरुआत जीत के साथ हो गई। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। छिंदवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज करके इतिहास बना दिया। तो मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का आगाज हुआ। प्रियंका कमलनाथ और मिस्टर बंटा धार को छिंदवाड़ा की जनता ने आईना दिखाया, ये बातें कही हैं, और बीजेपी को छिंदवाड़ा की जनता ने सौगात दे दी। यानी पहले दिन से जनता ने आईना दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत हो चुकी है, छोटे चुनाव ने बड़ा आईना दिखाने का काम किया है। तो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो हम आपको सुनाते। और छिंदवाड़ा का नतीजा बता रहा है, कमलनाथ जी ध्यान दें, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जीत की शुरुआत चुनाव की शुरुआत के साथ ही हो गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की, ये शुभ संदेश है भाजपा के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से धन्यवाद करता हूं। उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज, विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी, उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को, आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात देकर के शुरुआत इसकी की है। और हमारे साथ दो अलग अलग मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं के मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तो मिश्रा जी आपसे ही सवाल, जिस तरह से भी आपने भी सुना कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो जीत हार तो क्या उपचुनाव में होती रहती है, लेकिन छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि कमलनाथ पर जो आरोप लग रहे हैं पीसीसी चीफ पर कितना सही है और अब क्या अपना ही गढ़ नहीं बचा पाए अब ये आरोप? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के प्रति हमेशा सर झुकाती है। हम हर जनादेश का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मगर जिस छिंदवाड़ा की सीट को लेकर माननीय वीडी शर्मा साहब और गृह मंत्री जी बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, पहले वो ये बता दें कि वो खुद खजुराहो में और दतिया में चुनाव जीत रहे हैं क्या? और जिन सीटों का वो बात कर रहे हैं वो सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशियों की सीट नहीं है। और यदि उन्हें मौजूदा विषाक्त वातावरण से बचने के लिए थोड़ा ऑक्सीजन मिल गया है तो वेंटिलेटर पे सोए हुए उस मरीज को मैं शुभकामना देता हूं कि 5 महीने और उसका जश्न मना ले। ठीक है, डॉक्टर चिंतामणि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालवीय जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि पीएम से लेकर सीएम तक वहां पर वोट मांगते हुए नजर आए हैं, वो अपील जो है वो खासतौर से दिखी, लेकिन 13 में से सिर्फ 7 पर ही काबिज हो पाई बीजेपी, चुनौतियां ज्यादा है? चुनौतियों जैसा कुछ नहीं, लोकतंत्र है और स्वागत होना चाहिए जिस तरह के निर्णय आए। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल वातावरण है, जो एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस की थी उसको पता एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। ये जनता में जमीन पे वास्तविकता कुछ हो रहे है और कांग्रेस अपने मन में जो कुछ हो रहा धारणा बना रही है उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। जमीन पर आज भी भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय है, सरकार लोकप्रिय है, शिवराज सिंह जी की सरकार और शिवराज सिंह जी की रीति नीतियां वो लोकप्रिय है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव सिद्ध करते हैं कि 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में, 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और ये जो विचार कर रहे हैं कि नहीं, पिछली तरह क्योंकि 13 महीने में जनता ने कांग्रेस को देख लिया है और उनके प्रति अविश्वास से भरी हुई है, मुझे लगता है कि यही परिणाम जो है वो विधानसभा में भी दोहराए जाएंगे। मिश्रा जी, कर्नाटक के लिए भी लगातार कांग्रेस कहती रही है कि कर्नाटक का रिजल्ट देखो, कर्नाटक का रिजल्ट देखो, बीजेपी अब क्या बदला ले रही है और अगर अपने ही प्रभाव क्षेत्र में नहीं जम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं फिर दोहराना चाहूंगा और आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी को बताना चाहूंगा, वो तो विद्वान है, प्रोफेसर रहे हैं, कि वो लोग जश्न मना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो खुद कर्नाटका में गए थे, 13 जगह सभाएं ली थी, 7 जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है, ये गए थे वहां जिताने। ठीक है, छोटा सा काउंटर, डॉक्टर मालवीय आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो जनता का मत है और उसका स्वागत होना चाहिए, जिस तरह भी चुनाव देखा हम तो चाहते हैं उसको भी सीटें मिले। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इसमें बयान आया, आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार कौन जीतता और कौन हारता है, लेकिन उपचुनाव जो है वो कुछ और नतीजे बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।